कृष्णा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को करने से आपके बुध मजबूत बनेंगे। बुध आपके मजबूत बनते हैं, मतलब आपकी बुद्धि तीव्र बनती है, आपके धंधा पानी, धंधा रोजगार, नौकरी आपकी दौड़ पड़ती है, ग्राहकों की भीड़ लगने लग जाती है। यदि बुध आपके मजबूत है, आपकी बुद्धि तीव्र है, तो हर जगह आपकी एक यूनिक जगह बन जाती है। तो इस उपाय को यदि आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपके बुध मजबूत बनते हैं। दूसरे, आपके राहु मजबूत बनते हैं। राहु मजबूत बनने से दोस्तों, कलयुग में यदि आपके राहु मजबूत है, राहु आपके बढ़िया है, तो समझिए आप पैसों में खेलते हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि हमने कह दिया, तुमने सुन लिया बस, और कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना, लेकिन हकीकत तो यही है, जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, जिन्हें नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है, मान लेने जैसी है कि कलयुग में राहु का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज की लाइफ में आप देखें, लोग कुसंगत में ज्यादा चढ़ जाते हैं, नशे की दुनिया में ज्यादा खो गए हैं, ये सब राहु की वजह से है। दंभ ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, वो जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये राहु की वजह से है। अकारण सकारण झूठ बोलते हैं, बिना मतलब का झूठ बोलते हैं, जिस झूठ का कोई मीनिंग ही नहीं है, बस चलते फिरते झूठ बोल दिया, जैसे कि झूठ बोलना इनकी आदत में है ना? ये झूठ बोलना, दिखावा करना, दंभ करना, कुसंगत में चढ़ जाना, ये सारी ही चीजें राहु की देन है। और राहु यदि आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो बिल्कुल इससे उल्टा हो जाता है, और पैसों के सोर्सेस बन जाते हैं, अलग अलग जगह से पैसे आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत दोस्तों, राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट है, आप इस चीज को समझ पाए या ना समझ पाए, राहु का इफेक्ट बहुत जबरदस्त है आज की लाइफ में, कलयुग में। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि माचिस में रखें ये चीज, जिससे राहु प्रसन्न होते हैं, और मतलब राहु से जुड़े हुए तो काफी मेरे वीडियोस अभी हाल में मैं अपलोड कर रही हूँ। यदि आपको उचित लगता है तो प्लीज आप चैनल पर अवश्य ही जाएं और उन वीडियोस को देखें। आज की डेट्स में, आज के जमाने में, आज की तारीख में आप राहु से जुड़े हुए जो भी उपाय करेंगे, आपकी लाइफ में आपको मजा मजा आ जाएगी, खुश खुश हो जाएंगे। जो बुरी आदतें हैं, जैसे अभी आप देखो, दारू पीना है, झूठ बोलना है, वो क्या है, वो रामायण में एक चौपाई है ना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना, इस टाइप की है, सब झूठ झूठ झूठ, ये कलयुग का रूप बताया गया है। और क्योंकि ये राहु के प्रभाव में जो लोग होते हैं वो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि राहु अच्छा हो गया तो काफी चीजों से आप बच जाते हैं। तो ये उपाय बहुत बढ़िया है, और ये बुधवार के दिन किया जाता है, और ये बहुत आसान उपाय है, कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है? तो बुधवार, बुध से जो जुड़ी हुई चीज है, इसमें से तो काफी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उनमें से एक चीज है जैसे हरी धनिया, आप हरी धनिया ले लें, या अक्खी मूंग ले लें, ठीक है, ले करके आप ऐसी गाय को खिलाए जो थोड़ी अस्वस्थ हो और चितकबरी हो, व्हाइट और ब्लैक कलर मिक्स हो, चितकबरी कलर की गाय, चितकबरा कलर का कुत्ता राहु से जुड़ा हुआ है। अस्वस्थ व्यक्ति, कोई भी मतलब बीमार व्यक्ति, बीमार जीव, कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है वो राहु से जुड़ा हुआ है। तो यदि गाय अस्वस्थ, अगर अस्वस्थ नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अस्वस्थ हो, थोड़ी बूढ़ी हो और चितकबरी है, तो समझिए आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर आप बुधवार बुधवार ऐसी गाय को धनिया खिलाने लग गए, थोड़ी मूंग खिलाने लग गए, दोस्तों मैं आपको लिख करके देती हूँ, आपकी किस्मत ना चमक जाए तो आप बोलना, आपका भविष्य यूं चमचमा उठेगा, आपका भाग्य चमक जाएगा, आप घर बैठे माला माल हो जाएंगे।
किस्मत चमकेगी। जो चीज मैं बोलती हूँ दोस्तों, उन चीजों का आप विश्वास करें पूरे विश्वास के साथ। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना में रह करके जो भी व्यक्ति जो भी कुछ भी कर्म करता है उसे कभी फल नहीं मिलता। शंकाशील व्यक्ति ना इस पृथ्वी पर रह करके कुछ कर पाता है, ना मरने के बाद स्वर्ग में ऊपर जाकर के कुछ कर पाता है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने धर्म में ना रहे, जो व्यक्ति शंका कुशंका में रहे, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो कर्म करो जो जो करना आपका धर्म है। हमेशा अपने धर्म का पालन करो, इस दुनिया में भी खुश रहोगे, मरने के बाद स्वर्ग में भी जाकर के खुश रहोगे, हमेशा संतोष में रहोगे कि आपने अपना धर्म पूरा किया। शंकाशील व्यक्ति कभी भी कहीं भी उसे सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बी पॉजिटिव, और कुछ भी करना है तो करने से पहले आप खुद से दृढ़ निश्चय कर लें कि यस आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे ये करना ही है, आई विल डू इट, मैं करूंगा, और उसके बाद ही आप उस चीज को करें। तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि इस टाइप की गाय हो, कुत्ता हो, बीमार व्यक्ति है, ये राहु के चिन्ह को दिखाते हैं, राहु के कारक हैं। तो इन्हें यदि आप बुधवार के दिन हरा धनिया खिला देते हैं, हरा धनिया, तो राहु भी आप पर प्रसन्न होते हैं, प्लस बुध भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और यदि ये दोनों ही ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो आपको और क्या चाहिए? पैसा है, बुद्धि है, दिमाग है, सक्सेस तो अपने आप ही आपको मिल जानी है। पैसा है, बुद्धि है, दिमाग है, सक्सेस मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा यदि बुरे कर्म नहीं किए तो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास यदि सक्सेस आ गई तो कर्म खराब करने लग जाता है, जिससे उसे मान सम्मान नहीं मिलता। लोग मुंह पर उसे बोले ना बोले, लेकिन मन से कभी आदमी ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं करता। तो यदि मान सम्मान भी चाहिए तो जब भी आपके पास सक्सेस आती है, पैसे आते हैं, तो कर्म अच्छे अवश्य करें, ठीक है। तो बुधवार के दिन दोस्तों इस टाइप की गाय ढूंढे और उसे हरा धनिया या हरी मूंग आप खिला दें। रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया आएगा, लाजवाब रिजल्ट आएगा। करके देखिए, करते रहे खुश, जय श्री कृष्ण।